नमस्कार। हमारे पूरे वॉइस ऑफ यूनिटी के जो हमारे दर्शक बिंद है उसको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हमारे रिपोर्टर यहाँ पर पहुँचे और हम लोग ये बताते हैं, ये हम बताने का कोशिश करते हैं कि देखिए हम लोग एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि हमारी 25 नवंबर में अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में पोर्ट ब्लेयर तिरंगा पार्क में हम लोग एक धरना का आयोजन किया गया था। लेकिन ये धरना का जब आयोजन किया, सोशल मीडिया में दिया, तब मुझे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से बुलावा आया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मालूम नहीं था कि G20-25 को ही जो है G20 के जो सदस्य बिंद बाकी नेशनल इंटरनेशनल से सब आएंगे, ये पता नहीं था कि 25 को आएगा। लेकिन जब ऑफिसर से पूछा गया तब उन्होंने कहा 25 से ही जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार में पहुँचेंगे। तो हमसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए 25, 26 और 27 ये 3 दिन का जो है अंडमान निकोबार का जो है G20 सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में बाकी देशों से भी बहुत सारे जो है हमारे अतिथि बिंद आएंगे और जिसके कारण आज हम लोग जो है 25 को जो है प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही करना ज़रूरी था। लेकिन आज 25 को जो है ये संभव नहीं होगा, इसलिए हम लोग वेरी सुन 28 या 29 ये दोनों दिन के अंदर में हम लोग जो है घोषित करेंगे। और ये मसला जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का मसला है, हमारा द्वीपवासियों का मसला है, हमारा जो यहाँ पे रहने वालों का लिए मसला है, हमारे जो युवा वर्ग है उनके लिए मसला है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए मसला है। क्योंकि 100% रिजर्वेशन और अंडमान यूथ कि आज आपने देखा अंडमान के अंदर में 39,565 पोस्ट के अगेंस्ट में 39,000 जो है हमारे बच्चे जो है अप्लाई किया है, ये कभी सुना? लेकिन उसके अंदर में आप देखें 9,000 जो है बाहर वाले आए हैं। तो हमारे 565 ये 65 जो 565 है हमारे बाहर वाले बच्चे जो है वो लेके चले जाएंगे। हमारे बच्चे, हम पहले से ही कह चुका हूँ कि हमारे बच्चे मेनलैंड के बच्चे से कॉम्पीट नहीं कर सकता, ये कॉम्पीट कभी भी नहीं कर सकता है कि इतने पढ़ा लिखे वाले बच्चे जो है वो दिन आके एग्ज़ाम में बैठे और हमारा बच्चे जो है ये कभी संभव ही नहीं होगा। अगर कुछ आया बच्चा तो सही है, लेकिन ज़्यादातर जो है पोस्ट जो है हमारे बाहरी बच्चे जो है वो लेके जाएंगे। हम इसको कंडम करते हैं, हम ये विरोध करते हैं, हम पहले से ही आवाज़ उठाया है कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है हमारे बाहरी बच्चा को जो है हम लोग नौकरी नहीं देने वाला है, हमारे बच्चों का क्या होगा? आज इतना छोटा वाला एक टापू है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हमारे बच्चे का एकमात्र साधन है माँ बाप का जो सपना है, वो सपना केवल पढ़ा लिखा करके हमारे बच्चे जो है नौकरी करेगा, यही हमारा यहाँ का हमारा बुज़ुर्गों का हमारा जो माँ बाप है उनका एक सपना है। लेकिन ये सपना चूर चूर होता हुआ देख रहा है, इसलिए कांग्रेस पहले से ही आवाज़ उठाया कि इसको बंद करो, किसी हालात से बंद करो। मैंने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमें देखा बीजेपी पार्टी के नेता विशाल जोली जी, जो उन्होंने ये कहा कि भाई संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए सबको आना पड़ेगा, एक साथ एक मंच पे आना पड़ेगा। हम राजी हैं, आइए मेरा संघर्ष में, जोली साहब आप आइए इस संघर्ष में आइए, हम आपको नौता देता है, हम 2-4 दिन के अंदर में हम अनाउंसमेंट करेंगे, आप उसमें आइए, आपके पार्टी आइए। आज संघर्ष का बात कर रहा है, ये किस लिए संघर्ष का बात कर रहा है? आप आज चपरासी से लेके प्रेसिडेंट तक सब आपका है,
आपके यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, आपका होम मिनिस्टर आपका है, आपका प्राइम मिनिस्टर आपका है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका है, तो क्या चीज़ का संघर्ष है? अब एक फोन करने से जो है आपका ये सारा मसला जो है आपका समापन होगा और द्वीपवासी का भलाई होगा। लेकिन आप कहते हो आपको शर्म नहीं है, शर्म बल्कि कोई चीज़ होता है, आपको शर्म नहीं है कि आप संघर्ष करिए, आके बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। ये दिन ये बात सुनने के लिए बोले से अंडमान वासी जो है कभी माफ नहीं करेगा बीजेपी पार्टी को, कभी नहीं माफ करना चाहिए और बीजेपी करना नहीं चाहिए। जो पार्टी अंडमान निकोबार के अंदर में अंडमान के बच्चों को फ्यूचर को लेके खेलते हैं, वो समाप्त करने चाहता है, जो बच्चों का फ्यूचर को समाप्त करने चाहता है, जो पूरा मेनलैंडर को जो है वो अनुमति दे दिया कि भाई आप यहाँ में जॉब ले सकता है, वो पार्टी करना चाहिए अंडमान वासी को? वो पार्टी तो नहीं करना चाहिए। मेरा ये अपील है जनता से, कोई भी कुछ भी पार्टी आप करें, मेरा कोई उसमें कोई भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बीजेपी पार्टी आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी हमारा फ्यूचर जनरेशन को ख़त्म करने जा रहा है, जो बीजेपी पार्टी हमारे बच्चों को गला घोटने जा रहा है, वो पार्टी हम क्यों करेंगे? आज जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, हमारा पब्लिक सेक्टर है, वो पब्लिक सेक्टर को जो है आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। आप प्राइवेटाइजेशन करके आप क्या जताने चाहता है? पूरा अंडमान निकोबार को आप बर्बाद करने चाहता है। तो अगर अंडमान निकोबार को आप बर्बाद करोगे तो आपका बीजेपी पार्टी कोई करेगा? जो करेगा वो बेवकूफ है, जो सोचता है बीजेपी पार्टी करना वो बेवकूफ है, क्योंकि अपना हाथों से अपना बच्चों को जो है गला घोट रहा है। मेरा अपील है जनता से कि बीजेपी पार्टी आप ना करें, और इस समय में जो हमारा कार्यक्रम है इस समय में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हमारा कांग्रेस पार्टी इसको कामयाब कर सकता है, हमारे बच्चों को जो है फ्यूचर को रोशन कर सकता है। अगर आप नहीं लड़ोगे तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा अपील है आप घर घर से निकलिए, हर युवाओं से, हर महिलाओं से, हर माताओं से, हर बहनों से, हर बुजुर्गों से हमारा ये निवेदन है, आप निकलिए घर से और हमारा इस कार्यक्रम में, हमारा इस प्रोग्राम में आप शामिल होकर इसको कामयाब बनाइए। धन्यवाद। रंगलाल जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है इस पर, सिर्फ इसी विषय को लेकर है। जैसा आपने संघर्ष के बारे में बात किया, बस उस पर रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि संघर्ष करना है, इसमें मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ। प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति उनका, उपराष्ट्रपति उनका, गृह मंत्रालय उनका, और पूरे के पूरे बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आई हुई सरकार, अगर चाहें तो कर सकते हैं ऐसा दिख रहा है। इसके बाद भी भाजपा वाला कह रहे हैं कि संघर्ष करना है, तो हकीकत क्या है? केंद्र सरकार नहीं चाह रही है, या तो फिर प्रदेश की जो भाजपा में जो नेता मौजूद है वो नहीं चाह रहे हैं, या तो प्रदेश के भाजपा चाह रहे हैं और केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, ये सारा बीजेपी का चाल है। बीजेपी चाहता है कि और एक बार जो है बीजेपी यहाँ में बहुमत में आए, देश के अंदर में अंडमान में भी बीजेपी जीते। लेकिन लोगों इतना बेवकूफ़ नहीं है, सभी लोग जानते हैं, अंडमानवासी जानते हैं कि आज बीजेपी का जो है यहाँ पे नेता है, एक फ़ोन करने से ये काम हो जाएगा, लेकिन ये फ़ोन नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि अंडमान का भविष्य, हमारे युवाओं का जो भविष्य जो है वो ख़त्म हो जाए। आज आपने जैसा कहा, उसका होम मिनिस्टर है, उसका प्राइम मिनिस्टर है, उनका उपराष्ट्रपति है, उसका राष्ट्रपति है, तब इससे बढ़ के और उसको क्या चाहिए? इधर में देश में और इससे बड़ा कोई पद है जो यहाँ में जो है ये होने से इसका होगा? इसका ऊपर में कोई पद नहीं है, और ये होता हुआ भी ये काम नहीं कर सकता है। बोलने से आपको जो है देश का जो सुप्रीमो, हम जो प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं, वो ये काम करने नहीं चाहता है। यही है मकसद। आप कह रहे केंद्र सरकार नहीं चाहती है, केंद्र सरकार नहीं चाहती है, और प्रदेश की सरकार की बात, प्रदेश के जो नेता है उनकी बात सुन रही है। प्रदेश में जो नेता है, ये नेता को जो केंद्र से आपका ये देता है, आदेश देता है, वही करता है, इनका कोई वजूद नहीं है। अच्छा ठीक, आखिरी सिर्फ हमारे जो युवा हैं
उनको एक बार बता दीजिए उनको करना क्या, क्योंकि युवा अभी भी परेशान है। जो 565 पोस्ट खत्म हो गया है, 565 पोस्ट खत्म हो गया, उसके बाद जो वैकेंसी आ रही है उसको लेके युवा बड़े चिंतित है और व्हाट्सएप में सिर्फ ये बात चल रही है अब करना क्या है, सिर्फ उनको एक सूचना दीजिए। देखिए करना, कांग्रेस संघर्ष का बात करता है। आज इस अंडमान का शुरुआत जो है, अंडमान कैसा आया, ये कांग्रेस ही लाया है, कोई दूसरा कोई पार्टी नहीं लाया, जन्म नहीं दिया अंडमान को, कांग्रेस पार्टी जन्म दी। इसलिए कांग्रेस रोता है, दुखता है, उसका दुख है कि हमारा भविष्य जो है, हमारे बच्चों का भविष्य जो है खतरे में है। अगर ये खतरे से उतारना है तो हर बच्चे को, हर बेटी को, हर बेटा को, हर माँ बाप को, सबको आगे आना है और इस संघर्ष में शामिल होना है, तब जाके ये कमी अब हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंगला जी, धन्यवाद।